गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो कल के ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि आज हमारे स्कूल में रिज़ल्ट। तो मैं निकल गई हूँ अभी घर से, सुबह के बज रहे 8, तो अभी मैं जा रही हूँ स्कूल। आज मौसम भी अच्छा ही है, वैसे धूप खिल चुकी है। सो गाइस, दौड़ते दौड़ते पकड़ी आज बस। तो गाइस उतर गए हम लोग बस में। यामिनी मैम भी मिल गए मेरे को, इधर हाय। और आज हम ड्रेस पहन के आए हैं। और वो रहा उधर स्कूल, टेंट वगैरह लग गए हैं हमारे स्कूल में, देख सकते हो आप लोग। कुछ बच्चे भी आ गए हैं। हाँ, कुछ बच्चे भी आ गए हैं। सो गाइस, पहुंच गए हम स्कूल में। नीचे ग्राउंड में लग चुके हैं गाइस टेंट। पूरे 10 बजे हो जाएगा रिजल्ट वगैरह स्टार्ट। अभी बच्चे भी नहीं आए हैं ज़्यादा, तो मिलते हैं आप लोगों के साथ थोड़ी देर के बाद। अभी हम आ गए डेकोरेशन करने नीचे ग्राउंड में। ये वो सेल्फी पॉइंट जिसका मैंने आपको पूरा ब्लॉग दिखाया था। और उसके बाद ये बोर्ड, ब्लैक बोर्ड भी हमने थोड़ा सा डेकोरेट किया है। और इधर करेंगे हम स्टेज की डेकोरेशन थोड़ी बहुत। और ये रहा हमारा लेक्चर स्टैंड, फिर उसके बाद करना पड़ेगा। जी हो गया हमारा सेल्फी पॉइंट बनके तैयार। अभी हमने कारपेट वगैरह बिछाया नीचे। सो गाइस, बच्चे भी आ चुके हैं और पेरेंट्स भी आ चुके हैं और हमारी डेकोरेशन भी हो चुकी है कंप्लीट। तो अभी थोड़ी देर में हो जाएगा हमारा रिजल्ट स्टार्ट। आ रहे हैं बच्चे, देखो छोटे छोटे। सो गाइस, बच्चों को बिठा दिया हमने। अभी होने वाला है रिजल्ट स्टार्ट। कुछ ऐसे लग रहा, खाना नहीं खा के आए हैं बच्चे? खाना खाया सभी ने? ओके, तो वंस अगेन अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेरी गुड। सबसे पहले आज के बहुत इम्पॉर्टेंट डे में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है प्यारे बच्चों। और आज जो इम्पॉर्टेंट डे है उसकी शुरुआत करने से पहले मैं एक इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूँ सबसे पहले पेरेंट्स के साथ भी। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। सबसे पहले तो मैं कुरुकुल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डायरेक्टर महोदय आदरणीय श्री राणा जी, हमारे बीच में एसएमसी के उप प्रधान मैडम और यहाँ पे उपस्थित सभी अभिभावक गण एवं प्रबुद्ध अध्यापक गण और प्यारे प्यारे बच्चों, आज पहली मर्तबा मुझे आपके सन्मुख जो है आने का मौका मिला।
सबसे पहले तो मैं गुरुकुल स्कूल का धन्यवाद करता हूँ कि मैं एक रिटायर प्रिंसिपल हूँ और उसके बावजूद भी इन्होंने यहाँ पे मुझे अपनी सेवा का मौका दिया। मैं कहना चाहता हूँ कि टीचर एक कभी भी रिटायर नहीं होता और टीचर हमेशा जब तक वो जीता है तब तक वो एज ए टीचर ही रहता है। आप लोगों को थोड़ा सा ऑड भी लग रहा होगा कि रिटायर होने के बाद क्यों इंसान जो है यहाँ पे आया है, लेकिन मैंने कभी भी अपने आप को रिटायर नहीं समझा। इससे पहले भी मैं कोचिंग सेंटर में था और अब भी मैं यहाँ पे हूँ, और अगर यहाँ नहीं होगा तो कहीं और जगह होऊंगा, लेकिन मैं अपनी सेवाएं हमेशा देता रहूँगा क्योंकि मुझे लगता है कि शिक्षा एक ऐसा शब्द है जो कभी समाप्त नहीं होता और जितना हमें आता है कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपने आने वाली जो हमारी संतानें हैं या जो भी हमारी जनरेशन है हमें वो ज़रूर उन पर बांटना चाहिए क्योंकि शिक्षा बांटने से बढ़ती है। आज इस अवसर पर हम सब का भी इसमें उतना ही दायित्व होता है जितना बच्चों का, पूरी साल आपने मेहनत। सो गाइस, अभी हो रहा है नर्सरी क्लास का रिजल्ट। तालियां जानवी ठाकुर के पेरेंट्स के लिए। नेक्स्ट है, वेरी गुड अक्षित, कंग्रेचुलेशन। नेक्स्ट इज शिवांश गुलेरिया, सन ऑफ श्री लेखराज, अगेन ऑन 100%। शिवांश गुलेरिया के घर से अगर कोई आया हो तो प्लीज, क्योंकि सिर्फ रिपोर्ट कार्ड शेयर कर रहे हैं आपके साथ। इधर देखो, नेक्स्ट इज डिंपल ठाकुर, डॉटर ऑफ श्री राकेश कुमार। नेक्स्ट युग गुलेरिया, सन ऑफ श्री घनश्याम। नेक्स्ट इज हर्षित ठाकुर, सन ऑफ श्री दुनीचंद। सो गाइस, अभी हो रहा है सेकंड क्लास का रिजल्ट। 99.93% मार्क्स। ऑन थर्ड पोजीशन अतुल विद 99.56% मार्क्स। अतुल, तो अगर आपको बच्चे आपको मौका दे रहे हैं तो जरूर आइए। अगर आए हैं तो स्टेज पे आइए। अभी हो रहा है थर्ड क्लास का रिजल्ट अनाउंस। आए हैं पर आ नहीं रही हूँ। बच्चे भी पढ़ रहे हैं। संजना, कोई आराम से। कार्तिक, संजना। सो गाइस, अभी फोर्थ क्लास का रिजल्ट हो रहा है नाउ, तो फर्स्ट है हमारा विहान। 99.93% मार्क्स। इसके पीछे आप पीछे ऐसे। सेकंड है जानवी। थर्ड पोजीशन शुभम, सन ऑफ श्री पवन कुमार। करेंट आए श्री मेघ सिंह, 99.5% अनाउंस। फर्स्ट टाइम नंबर कौन है ये हमारा? गोलू मोलू सा नंबर। ये मैं पेरेंट्स को सभी को बताना चाहता हूँ, फिफ्थ क्लास के पेपर। सेकंड है हमारी आराध्या। एंड थर्ड प्राइज गोज टू थर्ड है नैना। कमिंग टू सिक्स्थ क्लास, इंद्र कुमार। अभी हो रहा है सिक्स्थ क्लास का रिजल्ट। कार्तिक, वेरी गुड बेटा। तो फर्स्ट है कार्तिक। ये है हमारा कार्तिक बेटा, ये सिक्स। कार्तिक आई है। सेकंड है स्मृति, 96.96% मार्क्स। कंग्रेचुलेशन स्मृति बेटा। थर्ड पोजीशन गोज टू अदिति ठाकुर, डॉटर ऑफ श्री। ये बेटा क्या थर्ड है अदिति। कैसे करते हैं क्लैपिंग? सेकंड पोजीशन पे है मोहित। थर्ड पोजीशन गोज टू सानिया,
डॉटर ऑफ श्री खेमचंद। सानिया टंग क्यों निकाल रही है? थर्ड है सानिया। और इम्प्रूव करना है। कांग्रेचुलेशंस सर, अभी हो रहा है 8th क्लास का रिजल्ट अनाउंस सर। फर्स्ट है दामिनी वैद्य। सेकंड पोजीशन गोज टू दीपिका। वेरी गुड बच्चा। सेकंड है हमारी दीपिका। हमारी दीपिका। थर्ड पोजीशन गोज टू पायल। थर्ड है पायल। चेक हुए हैं 9 टोटल 26 स्टूडेंट्स। फर्स्ट पोजीशन गोज टू दीक्षा डॉटर ऑफ श्री यादविंदर। वेरी गुड गुप्तर। और अच्छा करना अभी 10th में, समझ गई? मेरिट चाहिए मुझे, बोर्ड में आना है मेरिट में। ओके वेरी गुड गुप्तर। सेकंड पोजीशन थर्ड हमारे दो स्टूडेंट्स है 9th में। एक एक करते हो, पेरेंट्स आए? फर्स्ट पोजीशन गोज टू नेहा कुमारी डॉटर ऑफ श्री प्रकाश चंद। प्लस वन में फर्स्ट आई है नेहा। सेकेंड पोजीशन गोज टू सुधा ठाकुर। प्लस टू क्लास है इसके बाद, जिसका भी अभी पेपर हुए हैं। सो गाइस अभी हो रही है ओलंपियाड के जो आराध्या शर्मा उनको मेडल ऑफ एक्सीलेंस ब्रॉन्ज सेकंड थर्ड टॉपर उनको मेडल्स बना रहे हैं। और अब हम बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। नेक्स्ट है अंबिका राणा मेडल ऑफ एक्सेलेंस गोल्ड के टॉपर। नेंद्र आप ले ले, आ जाओ चाचू। ये नहीं नहीं सर, मेडल भी मैं पहनूंगा, मेडल भी ठीक है। आ जाओ। स्टेट टॉपर का अवार्ड मिला है जी, मेडल मिला है। सही था। नेक्स्ट इज संजना मेडल ऑफ एक्सेलेंस ब्रॉन्ज स्टेट टॉपर। राधिका गोल्ड मेडल क्लास टॉपर। कमिंग टू क्लास फोर्थ। हाँ जी, अभी फोर्थ क्लास से तीन बच्चे हैं हमारे पास। उसके लिए 10% जो है उसके लिए मार्क्स मिल जाएगा। आप अभिभावकों से भी करवट जो है प्रार्थना है, क्योंकि हमारे पास 20 टीचर हैं और मैं अभी और आ गया 21 हो गए। ये डायरेक्टर सर हैं, जब ये लोग यहाँ पे काम करते हैं तो इनका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें ज़रूरत है स्ट्रेंथ की। तो मेरा आपसे करवट जो है प्रार्थना है कि आप जितने भी बच्चे आपके सराउंडिंग में हैं, इधर उधर हैं, अगर आपको अच्छा लगता है, हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है और हम इम्प्रूवमेंट करेंगे, तो कोशिश करिए कि आप जो है यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाएं, क्योंकि स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है। उससे ज़्यादा कंपटीशन होगा, ज़्यादा बच्चे होंगे तो कंपटीशन भी ज़्यादा होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब जो है ये भी कोशिश करिए कि हमारे पाठशाला की जो है स्ट्रेंथ बढ़ने में आप लोग जो है बढ़ाने में आप सभी योगदान करेंगे, हम भी योगदान करेंगे, साथ में आप भी करेंगे। बाकी मैं ज़्यादा ना कहता हुआ आप यहाँ। सो गाइस अभी हो गया रिजल्ट वगैरह अनाउंस होके ख़त्म हो गया। अभी ले रहे हैं जिनको प्राइज़ मिले उनके फ़ोटोज़ वगैरह, तो इनको बुलाया अभी स्टेज पे। बच्चे आ रहे हैं हमारे, देखो होनहार बच्चे। इधर लेंगे इनके फ़ोटोग्राफ्स वगैरह। हो गया ख़त्म सब कुछ, अभी बच्चे कर रहे हैं इंजॉय, खा रहे मिठाई वगैरह, और इधर ले रहे थे फोटोज़ वगैरह सभी जो हमने सेल्फी पॉइंट बनाया हुआ है।
अभी ले रहे हैं पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ फोटोज। और अभी हमारी बस भी आ चुकी है। सो गाइस अभी हमें हो गई छुट्टी, अभी हम जा रहे हैं घर। लाए जाएं मिट्टी। हमारा मारे पूरे हाल रिकॉर्ड मत कर। अभी हम पहुंच गए अपने लिंक के पास, मतलब अपनी सड़क के पास, अपनी साइड वाली। यहाँ से पकड़ेंगे हम बस। दौड़ गए हम नीचे से, हमने सोचा कि बस छूट जाएगी हमसे आज, बट पहले पहुंच गए बस से। उधर से दौड़े हम इधर तक बस को पकड़ने के लिए। 5 मिनट लगाए हमने। गाइस फाइनली मिल गई हमें बस, चल पड़े हम घर की तरफ। सो गाइस फाइनली अभी मैं पहुंचने वाली हूँ घर पे। तो अभी अपने इस ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।